वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी नज़र से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई 2-3 ईमेल ऐसे लाजमी आते हैं कि दानिश भाई हम दुबई आ रहे हैं, हमें जॉब इजीली मिल जाएगी ना, हमें आसानी से मिल जाएगी जॉब, तो मसला तो नहीं होगा, क्योंकि हम जो है हमारे पास बजट बहुत कम है और ज्यादा परेशानियां मुश्किल तो हमारे सामने नहीं आएंगी। वीडियो को आगे तक देखे सब समझ में आएगा। देखिये यहाँ पे तकरीबन 200 नेशनलिटीज हैं, एक सर्वे के मुताबिक 200 नेशनलिटीज, यानी कि अगर एक वैकेंसी आती है तो उस पे बेतहाशा लोग अलग और प्लस एक ही मतलब 200 नेशनलिटी के भी सोचो कि लोग वहां पे मौजूद होंगे एक वैकेंसी के पीछे, तो आपके चांसेस कितने रह जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बेतहाशा टफ है। वो लोग जो ये सोच के आते हैं ना कि यार हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लिटरली जब उनको प्रॉब्लम्स मिलना शुरू होती है ना तो वो पैनिक हो जाते हैं और फिर वो यहां से निकल लेते हैं। माइंड बना के आना, सोच के आना, समझ के आना कि यहाँ पे 200 नेशनलिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, अब कितना हाई लेवल का कंपटीशन होगा। अगर इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से भी, श्रीलंका से, कहीं से भी अगर आप आ रहे हो तो इमेजिन करो क्या वहां पर इतना कॉम्पिटिशन है, नहीं होगा। 200 नेशनलिटीज होना बहुत बड़ी बात होती है। सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली, तो आपके पास कोई अच्छी स्किल्स हो, ठीक है ना, कोई ऐसा आपके साथ मामला हो जो दूसरों के साथ ना हो ऑब्वियसली, कि आपको वो कॉम्पिटेटिव एज मिले मार्केट के अंदर, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये मेंटेलिटी सोच के आना, ये रख के लेके आना कि यार प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली कोई हमें प्लेट में सजा के दे देगा, कोई हमें जॉब लगवा देगा, कोई हमें हमारे लिए वो कर देगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पे एम्प्लॉयर को 6 सेकंड लगते हैं एक से सीवी को सिलेक्ट करने में। अब आप सोचे आपने कुछ आला वाला सीवी पर डाला होगा तो वो तो आपको इग्नोर ही करेगा। 6 सेकंड क्या होते हैं यार, इमेजिन करो कि खाली यूं उठाएगा, यूं देखेगा और दूसरी तरफ फेंक देगा। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप लोगों को पता है जॉब के लिए लोग आए हुए होते हैं, हर महीने लोग यहाँ पे भर भर के आते हैं। तो अगर आप अपनी सोच ये रख के लेके आएंगे कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई मुश्किलात कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, तो फिर मत आना। क्लियरली बता रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी यही है, ये सोच के आना कि यार बहुत मुश्किलें मिलने वाली है, लेकिन आई विल फेस दैम इंशाल्लाह, और मैं जो चीज करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह वो जरूर हासिल करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये सोच पॉजिटिविटी के साथ आओगे तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आगे भी चलेगी। ठीक है, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों को फायदा हो। अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।